क्या हो अगर हिंदू गॉडेस जापान के सुपर हीरो से मिले तो आज की कहानी इसी पे है, जिसमें देवी जो कि वर्जिन कॉमिक्स की एक कैरेक्टर है जिसे हिंदू गॉड्स ने क्रिएट किया था बुराई से लड़ने के लिए, और वो एक लिटरल गॉड ऑफ वार है, या बोलू युद्ध की देवी है, जिसने तारा मेहता के नाम से कलयुग में जन्म लिया। और दूसरी है विच ब्लेड। वो न्यूयॉर्क पुलिस की एक ऑफिसर थी जिसे एक पावरफुल गाउंटलेट मिला था बिल्कुल थैनोस की तरह, और वो सुपर हीरो बन गई। इसके एनिमे के बारे में डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ तो उसे चेक जरूर कर लेना। पर आज बात करते हैं इन दोनों के मिलन की। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सारा यानी विच ब्लेड इंडिया के सीतापुर शहर में आई थी मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए। वहां दरिंदे जो तमा नाम के शैतान के लिए काम कर रहे थे वो उसका रास्ता रोकते हैं, और देवी उसे अप्सरा की हत्यारी समझ लेती है। देवी बोलती है, इससे पहले मैं तुझे तबाह कर दूं, बोल तुझे किसने भेजा है। वो उसे NYPD के बारे में बताती, उससे पहले दरिंदे देवी पर हमला कर देते हैं। विच ब्लेड उस पर हमला करती तो देवी खबरदार हो जाती है, दोनों में झड़प हो जाती है। सारा बोलती है, मैंने तो सुना था इंडियंस की खातिरदारी गजब की होती है, मुझे तो नहीं दिख रही। देवी जवाब देती है, मेरी तरफ देख और तबाही के लिए तैयार हो जा, तेरे जैसों को मैं हजारों सालों से संभाल रही हूँ। और इसी तरह दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। दोनों की पावर्स आपस में टकराती है और एक गूंज सी सुनाई देती है, हर जगह प्रकाशित हो जाती है, और विच ब्लेड को दिखाई देते हैं हमारे भगवान, और देवी को उसमें कोई निशा दिखाई देती है, पर वो सारा थी। और सारा को समझ में आता है कि उसकी पावर्स डीमंस की है, तो वो देवी को बताती है कि वो यहाँ एक प्रोफेसर के मर्डर के सिलसिले में आई हुई है। और देवी के अनुसार उन्हें पता चलता है कि तमा जिंदा है, इसके पीछे वही है और उसकी जान अभी उसकी स्वॉर्ड में है। अब देवी तो तैयार थी तमा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो वहाँ खड़े दरिंदे को मारने के लिए उस पे चिल्लाने लगती है, पर सारा शांत थी, वो उससे सवाल करने लगती है। देवी को लगता है कि ये बिना दिमाग का दरिंदा क्या ही बताएगा। सारा किसी तरह उस दरिंदे को पटा लेती है, तो वो अपनी टूटी जॉम्बी जैसी आवाज में बोलता है, भगवान तमा कंडा का शहर को जमीन से उठा लेंगे, वो सीतापुर के इंसानों को मार डालेंगे और अपनी पूरी ताकतों के मालिक बनेंगे, और अभी वो सीतापुर पावर स्टेशन पे इसका इंतजार कर रहे हैं। देवी चौंक जाती है कि दरिंदे बोल भी सकते हैं ऐसे, वो भी जान के लालच में। और वो दोनों तमा को पकड़ने निकल पड़ते हैं। इधर अंधेरे में बैठा था तमा सही समय का इंतजार करता हुआ। वो चाहता था कि देवी यहाँ आए क्योंकि उसे अपनी पूरी पावर्स के लिए देवी का खून चाहिए था, पर वो जानता था कि वो शायद ये चीज कभी हासिल नहीं कर पाएगा, पर उसके पास कुछ और प्लान था। इधर मंदिर की चौखट पर इंस्पेक्टर सिंह अपनी बाइक लेके आता है और वहाँ साधुओं से बोलता है, तीन पत्ती खेलना बंद करो, तमा शहर में है और वो अंडरग्राउंड सिटी कंडाका को उठा के सीतापुर को तबाह करना चाहता है। अब देवी और कोई हॉट शॉट डिटेक्टिव न्यूयॉर्क से उससे लड़ने जा रहे हैं, पर ये लड़ाई शायद लेडीज के लिए है, और हमेशा की तरह अपन सब मर्दों को अलग जाकर गटर में तमा की मशीन ढूंढनी है जिससे वो शहर को उठाएगा। उधर देवी अंडरग्राउंड पहुंच जाती है और बोलती है, तो क्या करना है, किसी दरिंदे को पकड़ के उससे मीठी मीठी बातें करके उससे सच जानना है या फिर मेरे तरीके से चलना है। और एक स्माइल के साथ देवी अपनी रोशनी हर तरफ बिखेरती है कि सबको पता चल जाए कि वो आ गई है, और दोनों मिलके स्टाइल में उन दरिंदों की फौज को ठिकाने लगाने लग जाते हैं। और वो ज़ॉम्बी इनके सामने कुछ भी नहीं थे, तभी तमा भी वहाँ आ जाता है। देवी, हम आखिरकार मिल ही गए, मैं तुम्हारे सारे पूर्वजों को जानता हूँ, क्या आनंद आया था उन हजारों को मारने में, पर कितना बेकार हूँ मैं, मैंने तुम्हें अपने दोस्त से तो मिलाया ही नहीं, दरिंदे। और उसकी चीख से देवी के नीचे जमीन से निकलता है एक दरिंदा, तमा की तलवार लिए देवी के आर पार कर देता है, और फिर वो उस तलवार को तमा के पास फेंकता है, और विच ब्लेड उसे रोकने में नाकामयाब रहती है। तमा चिल्लाता है कि वो फिर से जिंदा हो गया, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो शॉक हो जाता है कि मैंने इसको देवी का खून खिलाया, फिर काम क्यों नहीं कर रहा। तो देवी बोलती है, ये तेरी गलती थी तमा, मेरी ताकतें चाहे अलौकिक हों पर मेरा खून इंसान का है, सारा ये शिकार तुम्हारा है। देवी वहाँ हवा में थी सारी दैविक शक्तियों के साथ, और विच ब्लेड भी देवी की आत्मा की तरह हजारों सालों से तमा को मारना चाहती थी, बस देवी की तरह बॉडी इंसानों की मिली थी, पर क्योंकि सारा पुलिस वाली थी और तमा के पास कोई पावर्स नहीं थी, तो वो तमा को गिरफ्तार कर लेती है, जिसे इंस्पेक्टर सिंह ले जाता है, और उसकी स्वॉर्ड सारा के साथ वापस न्यूयॉर्क
बचाने के लिए थी। देवी के ऑर्डर पर, और तमा का मतलब डार्कनेस, अंधकार होता है, ये समझाते हुए और भविष्य में मिलने के वादे के साथ दोनों अलग अलग चले जाते हैं। अब देवी पर और भी कई कॉमिक्स हैं जो रेगुलर चलती हैं, तो तुम देवी वर्जिन कॉमिक्स के नाम से सर्च करके खुद इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। तो अगर तुम्हें ऐसे ही और कॉमिक नरेशन चाहिए तो कमेंट में जी हजूर जरूर लिख देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।